नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज मैं आपको बताऊंगा कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की। जितिन प्रसाद ने आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पीयूष गोयल के सामने साफ साफ कहा कि भाई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि वो यहाँ इसलिए आए हैं कि उनको लगता है कि यही पार्टी देश का नेतृत्व कर सकती है। उनका कहना है कि यही पार्टी जो भारत के सामने चैलेंजेस है उसका सामना कर सकती है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कर्मयोगी बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और एक और महत्वपूर्ण बात वो कह गए, उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, या तो वो रीजनल पार्टियां हैं या वो व्यक्ति विशेष पार्टियां हो गई हैं। तो उन्होंने एक टिप्पणी कर दी राहुल गांधी पे, लेकिन ये दूसरी बात है कि वो खुद एक डायनेस्टी से आते हैं। उनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद खुद राजनीतिक सलाहकार रहे हैं नरसिम्हा राव के, जब वो प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ लिया था। लेकिन ये पुरानी बात है। मैं आपको बताता हूं कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी। देखिए, जितिन प्रसाद ने पहला कारण है जो कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी, क्योंकि अगर कांग्रेस में रहते तो वो चुनाव नहीं जीत पाते। जितिन प्रसाद 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2017 में वो विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 में लोकसभा को चुनाव हारे। जितिन प्रसाद को साफ पता लग गया था कि अगर उनको रेलेवेंट रहना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अगर उनको राजनीति करनी है केवल प्रांत की, तो कांग्रेस में रह के नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पार्टी का अस्तित्व नहीं है और जो उनका वोट बैंक है वो उनकी पार्टी के पास नहीं। यानी वो अपने आप को एक ब्राह्मण नेता की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वो वोट उनको नहीं मिलता है। आपने देखा होगा पिछले एक साल में कि लगातार जितिन प्रसाद ने एक अलग तरीके की राजनीति की। आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी राजनीति की है, परशुराम की बात करने लगे। उनका अगर आप ट्विटर में जो फोटो देखें तो वो शंख के साथ है। ये सारी चीज़ें 2004 और 2009 में नहीं थी। यानी एक विजिबल गोल पोस्ट शिफ्ट जिसे कहते हैं वो जितिन प्रसाद ने किया। दूसरी चीज़ ये हुई, जितिन प्रसाद की प्रियंका गांधी से नहीं पटी। ये सच बात है, क्योंकि जब नए अध्यक्ष बनाए गए उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने जितिन प्रसाद को वो काम करने ही नहीं दिया। और जितिन प्रसाद 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, वो तो तब अहमद पटेल जिंदा थे, तो उन्होंने जिसे कहते हैं कि आखिरी मिनट जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी नहीं जाने दिया। तो जितिन प्रसाद की पट भी नहीं रही थी जो उत्तर प्रदेश में अभी व्यवस्था है। यानी वो इंडिपेंडेंट कार्यक्रम भी करते तो उसको लेकर समस्या थी पार्टी में। तीसरी, जितिन प्रसाद धीरे 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 G23 ग्रुप के करीब आ गए थे। उनको लगता था कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है वो ठीक नहीं है। भाई, पार्टी में काम सारा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। पूरा का पूरा चुनाव ये पिछला लड़ा गया राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो पाया, कोरोना का बहाना दे दिया गया। और जब इनको एकोमोडेट किया गया जितिन प्रसाद को, तो 0/0 सीटें आई पश्चिम बंगाल से। फिर एक बात आती है कि भाई जितिन प्रसाद क्यों, क्योंकि जितिन प्रसाद अपने आप में तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। जितिन प्रसाद अपने आप में लोगों को चुनाव भी नहीं जिता सकते हैं। जितिन प्रसाद का बाहर जाना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं देख रहे हैं। जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपनी सीट हार गए 2019 में, और उसके बाद जब उनको क्या बोलते हैं पहली बार, आप सोचिए जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन एक घर में देखा हो, जो मिनिस्टरियल बंगलो हो, वो छोड़ना पड़े और उसके बाद उसकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस में रह के वो उनका वर्चस्व नहीं बन सकता है। पार्टी भी छोड़ी, पार्टी भी तोड़ दी, सरकार भी गिर गई मध्य प्रदेश में। उसके बाद जितिन प्रसाद एक और महत्वपूर्ण चीज के, जिसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पसोपेश में थे, वो पसोपेश ये था कि जितिन प्रसाद जाना कहाँ चाहते हैं। ये अंदर के लोग बताते हैं कि उनको इस बात का बड़ा वो था कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, कहाँ जाएं जहाँ उनकी आखिर की राजनीति हो सके, यानी आखिर की 20-25 साल राजनीति वो कर सके। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अगड़ों पिछड़ों दोनों की राजनीति एक साथ करने में समक्ष हो गई है, यानी वो दोनों जनाधारों को ला सकती है। पर मोटा मोटी इसमें बात यह है कि जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये सब प्रिविलेज पॉलिटिशियंस हैं। ये सारे बड़े परिवारों से आते हैं, ये सारे वो पॉलिटिशियंस हैं जिनका अपना रसूख उनकी एक विरासत भी है। लेकिन जितिन प्रसाद के साथ एक चीज और थी कि जितिन प्रसाद जहां से आते थे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शाहजहानपुर टूट चुकी थी।
कहने का मतलब है कि उसको अमेलगमेट कर दिया गया था दूसरे जिलों में, तो जहां से वो जीतते थे उनके पिताजी वो अब एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। कहने का मतलब था कि जितिन प्रसाद को अगर जीतना था चुनाव तो उनको पता था कि उनको ये पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो ये तमाम कारण थे जितिन प्रसाद के छोड़ने के। लेकिन इससे एक चीज़ और भी साफ होती है, और वो ये साफ होती है कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि हर बड़ा नेता उसे छोड़ के क्यों जा रहा है। हर वो नेता जिसे कहते थे 2009 में फ्यूचर लीडरशिप है कांग्रेस की, वो छोड़ के क्यों जा रही है? क्योंकि एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी के करीबी लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, कांग्रेस पार्टी हम अब अपनी तरह से चलाएंगे, लल्लो चप्पो नहीं करेंगे। तो ये भी एक चीज़ सामने उभर के आई है कि जो जा रहा है, अगर आपने देखा हो पिछले एक डेढ़ साल में, उनको रोकने की ज़्यादा लल्लो चप्पो नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ये भी फैसला है कि अब ये टाइम आ गया है कि भाई जिसको जाना है वो चला जाए, क्योंकि वी हैव नथिंग टू लूज, यानी कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए, तो जो जहाँ है वो चला जाए, हम अपने हिसाब से पार्टी चलाएंगे। लेकिन इस तरह से जब लोग जाते हैं तो वर्कर का मोरल कम होता है, कहीं ना कहीं दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी बढ़ने के बजाय कम हो रही है। और ये कांग्रेस के नेतृत्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कहिए बीजेपी के बाद वही एक दूसरी पार्टी है जिसको आप राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारी पार्टियां क्षेत्रीय दलों में तब्दील हो चुकी हैं। नाम की राष्ट्रीय पार्टी है, लेफ्ट पार्टी टीएमसी और एनसीपी, लेकिन वाकई उनका जिसे कहते हैं कि राष्ट्रीय परिपेक्ष, राष्ट्रीय छाप है ही नहीं। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।